हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो आज मैं जा रहा हूँ फार्म की तरफ को। तो बहुत दिनों बाद मैं जो है एक्सरसाइज करने वाला हूँ, क्योंकि जो है पहले तो मैं जिम जाता था, उसके बाद तबीयत ख़राब हुई तो मैं जिम छोड़ दिया था। तो उसके बाद अब जो है शुरुआत कर ली है। तो पहले जो है मैं थोड़ा सा अपनी जो है घर पर ही एक्सरसाइज करता हूँ, तो उसके बाद धीरे धीरे जो है फिर जिम जाऊँगा तो फिर अच्छा रहेगा। तो पहले देख लेते हैं कि मैं अभी इतने दिनों बाद जो है कैसी एक्सरसाइज कर पाता हूँ। तो आपको भी बताऊँगा कि आप भी जो है घर पर रह के किस तरह से अपनी बॉडी को फिट कर सकते हो या थोड़ा बहुत बॉडी बना सकते हो। तो भाई ये देखो हमारी बिल्ली तो ये मेरे साथ ही आ गई है। कहाँ जा रहा भाई? तुझे भी एक्सरसाइज करनी है, चल आ जा। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें जो है कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो आपके जो कपड़े होते हैं ना, एकदम सही होने चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आपके कपड़े टाइट हैं बहुत ज़्यादा या बहुत ढीले हो रहे हैं तो कहीं लग लुग रहे हैं, एक्सरसाइज करने में दिक्कत कर रहे हैं कुछ भी। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको करना पड़ता है वार्म अप। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप जो है ठंड के टाइम पर आप 10 मिनट करें और गर्मियों में 5 मिनट। इसमें आपकी थाई भी खींचेंगी और जो है आपकी थाई की एक्सरसाइज भी होगी, तो वार्म अप होगा। दूसरे साइड से इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो गाइज मैं थोड़ा एक्सरसाइज जैसे वार्म अप कर लिया है, तो लेकिन अभी और करूँगा। लेकिन ऐसा है जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि यार घर पे बॉडी नहीं बन सकती है। तो यदि आप इन एक्सरसाइजों को जो है घर पे करते हो तो आपकी थोड़ी बहुत बॉडी बन ही जाएगी। जिसको पेट कम करना है तो वो भी हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है आप पूरा देखें। तो आप इस तरह से उठे बैठे भी कर सकते हो। तो इससे जो आप जो ना पूरा ऐसे पूरा ना बैठे, इससे ही होता ना आपके घुटने ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए आप जो है पूरा ना बैठें। देखो हाथ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है सपोर्ट के लिए। अगर चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। तो गाइज ये थी थाई के लिए एक्सरसाइज। अब मैं करूँगा अपने काफ के लिए, तो इस चीज़ के लिए, तो जिसके ये चीज़ कम है तो उसके लिए। इसमें पंजे उठाने सिर्फ इस तरह से पूरे पूरे। तो गाइज ये तो हुई लेग की एक्सरसाइज के लिए। अब आप कहेंगे कि बाइसेप ट्राइसेप चेस्ट के लिए कैसे? तो उसके लिए आपको सिर्फ पुशअप करने हैं। तो पुशअप को आप जो है हमेशा स्लोली करें, जितना स्लो करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो स्लो करो। अगर आपको सिर्फ जो है गिनती करनी है कि 20 करने हैं, 30 करने हैं, 100 करने हैं, तो आप कैसे भी करो पर रिजल्ट नहीं मिलता है। एक्सरसाइज को हमेशा ना टाइम दो, स्लोली स्लोली। तो यहीं पर लोग जो है कर नहीं पाते हैं तो सोचते हैं फटाफट करो और निकलो। तो यही कारण होता है कि वो एक्सरसाइज को एकदम तरीके से नहीं करते हैं, अपना फटाफट करके चल देते हैं। तो आज बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, तो बहुत बारीकी से समझने का वो फ़ायदा नहीं है। तो आप जो है घर पर अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो सिंपल से एक्सरसाइज हैं, पर आप जो है निरंतर करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी करने से कुछ नहीं होता है, पर एक दिन आए बहुत ज़्यादा करके को फ़ायदा नहीं, हल्का हल्का करते रहो, तो यही बेस्ट तरीका है। तो गाइज आज मुझे जो है एक शादी पार्टी में भी जाना है। तो फिलहाल तो मैं जो है अभी यहाँ एक्सरसाइज करने आ गया, सुबह सुबह जल्दी आ गया था पर उजाला होने लगा है। तो अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी को, तो जो है शाम को जो है शादी पार्टी में जाना है। तो जो है आप जल्दी से चलते हैं, कहीं लेट ना हो जाओ ड्यूटी को। तो जब शादी पार्टी की बात आती है तो जो युवा लड़के हैं तो वो सोचते हैं कि आज जो है मैं बाइसेप मारूंगा और डोले सोले बना के जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप जो है सोचते हो कि यार आज ही बन जाए, पर हाँ बॉडी जो है 2-3 महीने में बन जाती है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार बॉडी पता नहीं सालों में बनेगी। यदि आप जो है तरीका जानते हो एक्सरसाइज का और डाइट प्लान जानते हो कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, ऐसा नहीं कि अगला चने ले रहा तो आप भी चने लो। तो गाइस बॉडी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग सोचते हैं यार इसने बॉडी बना दी, पता नहीं कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है या उसने कोई सप्लीमेंट खा दिया होगा। तो ये चीज़ें सिर्फ सपोर्ट के लिए होती हैं। आप जो है कभी भी इस झांसे में आएँ कि कोई डब्बा खाओ बॉडी बन जाएगी, तो आपके पैसे खर्च हो जाएंगे खाली। तो भाई ये है मेरा घर और ये अपनी बिल्ली। चल बिल्लू तू भी आएगा घूमने हैं। तो गाइज मैं आ गया हूँ महिला संगीत में। तो दिन का डेकोरेशन कुछ इस तरह का है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं महिला संगीत। तो ये हैं दूल्हे के भाई बड़े वाले। तो दिन का माहौल कुछ इस तरह का देखो। तो यहाँ पर बन रही है चौमीन टिक्की और बहुत सारी चीज़ें, तो जलेबी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं खा लेता हूँ फ़िलहाल तो टिक्की, चौमीन मैं नहीं खाता हूँ।
मैं फास्ट फूड थोड़ा कम ही खाता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है टिक्की खाने लगा और जो है ये अंकल के साथ बैठा ही था कि यहाँ पर हमें मिल गई एक रिंग, तो ये ना जाने किसकी है। और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो इनके काफ़ी मज़े आए हुए हैं भी। तो गाइज नाइट पार्टी शुरू हो चुकी है और अब आपको दिखाते हैं नाइट पार्टी, तो हम भी इंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी माहौल कुछ ऐसा है, तो ये देखिए, तो यहाँ पर कॉपीराइट ना जाए इसलिए मैंने जो है म्यूजिक हटा दिया है। पहले से यार गोविंदा तुम ओपनिंग करते थे, अब ओपनिंग नहीं हो पाती यार, कमजोर पड़ गया हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो है खाना पीना चालू हो चुका है, तो ये देखिए बच्चे खाने लगे हैं, तो मैं भी चलता हूँ तो डिनर कर लिया जाए। मैंने भी खाना भी नहीं खाया और इनका खाना पूरा हो गया है। तो गाइस ये है मेरे फ्रेंड लोग, तो मैं घर चला गया था किसी काम से, तो ये जो है यहाँ पर खाना खा चुके हैं, तो मैं भी खाना शुरू करता हूँ अब। तो गाइज कुछ ऐसी रही अपनी ये पार्टी, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।